आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या होता है। The triangle law of forces can be stated as if a body is in equilibrium condition under the action of three forces acting at a point, then the three forces can be completely represented by the three sides of a triangle taken in order. This is the law of triangle of forces. इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी मतलब यहाँ पर रिजिड बॉडी की बात हो रही है, किसी रिजिड बॉडी में कोई तीन फोर्स ऐड कर रहा है, तीनों फोर्स एक पॉइंट पे ऐड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स है, तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है ये जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब बॉडी में कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज या मोशन नहीं आ रहा है स्टेशनरी कंडीशन में, तो ये फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस फोर्स है। ऐसे तीन फोर्स एक पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो तीनों फोर्स को हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही लॉ ऑफ ट्रायंगल है किसी फोर्स के लिए, ऐसे तीन फोर्स जो एक बॉडी पर लग रहा हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, एक वेट है जो हैंगिंग पोजीशन पे है, दो ऐसे स्ट्रिंग से इसको लटकाया गया है, तो ये इस बॉडी या वेट पे कौन कौन से फोर्स ऐड करेंगे। तो इसका वेट है, खुद का वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगा। तो यहाँ पे तीन फोर्स एक पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो ये क्या है, कॉन्करेंट फोर्स है, और ये स्टेशनरी पोजिशन पर है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए एक ट्रायंगल लॉ को अप्लाई किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें एक फोर्स F1 अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, टेंशन है, ये कंप्रेशन में पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है ना, दोनों ही तरीके के फोर्स यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, फोर्स पुल कोई भी फोर्स हो सकता है, F1 फोर्स है। वैसे ही दूसरा फोर्स F2 एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, और तीसरा फोर्स F3 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। इसका मतलब ये तीनों फोर्स क्या है, कॉन्करेंट फोर्स है। ठीक है, और ये तीन फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इसका मतलब ये है कि इस फोर्स के कारण इस रिजिड बॉडी में कोई भी इफेक्ट या कोई भी मोशन नहीं आ रहा है, तीनों फोर्स क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स कैसे ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिट लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जो भी यूनिट आप ले रहे हैं उसको लेके हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, तो ये F1, F2 और F3 जो फोर्स है इसका कुछ वैल्यू हमें पता रहता है। मान लो F1 350 न्यूटन है, F2 250 न्यूटन है, और F3 है 500 न्यूटन, ये हमें वैल्यू पता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं, और ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो इससे ट्रायंगल कैसे बनाएं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको स्केल मानना पड़ेगा, जैसे कि हमने मान लिया कि 100 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं, 50 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 200 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 100 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो F1 जो 350 न्यूटन है ये कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन F1 फोर्स के पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए, ये F1 फोर्स के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, 350 न्यूटन को ये शो कर रही है लाइन, 3.5 सेंटीमीटर।
किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन अपवर्ड है। देखिए F1 फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड ही आपको शो करना है इस लाइन का, और F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके पैरेलल ही ये ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमें मिल गया ए बी, ए से हमने स्टार्ट किया, ए से बी तक ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर, है ना, स्केल के अकॉर्डिंग। अब हम ऐसे ही क्या करते हैं, F2 के पैरेलल स्केल सेट करते हैं और उसको आगे हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट बी से स्टार्ट होगा और डायरेक्शन आपको याद रखना है कि F2 का डायरेक्शन देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में है ना, बॉटम लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ F2 के पैरेलल बी से आप स्टार्ट करिए और ये उसके डायरेक्शन जिधर है फोर्स का उसी डायरेक्शन में इसको आपको ड्रॉ करनी है, उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये आपको F2 मिल जाएगा 250 न्यूटन, मतलब ये लाइन कितना आपको खींचना है 2.5 सेंटीमीटर एज पर दी स्केल, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, बी सी लाइन F2 फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ट्राइंगल के दो साइड्स हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ए से सी या सी से ए को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ए सी वाली जो लाइन है वो F3 फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। या आप ऐसा नहीं करेंगे तो F3 के पैरेलल सेट करके ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए सी से ए, और F3 का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये लाइन होगी 500 न्यूटन फोर्स के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर इस तरीके से क्लोज ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं होगा तो इस तरीके से क्लोज ट्राइंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें जो डायरेक्शन है आप देखिए, ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो ये इन ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में आपका होना चाहिए, ऑर्डर में ये डायरेक्शन होना चाहिए फोर्स का जब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। आई होप कि ये लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इस लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताने के लिए हमने कर लिया, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइंड कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहला तरीका है लॉ ऑफ ट्राइंगल को डिफाइन करने का, लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि इस लॉ का यूज़ हम लोग करते हैं दो फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। दो कैसे फोर्स, ऐसे फोर्स जो कॉन्करेंट फोर्स हो, याद रखिए दो कॉन्करेंट फोर्स का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है तो लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्स का ही यूज़ करते हैं। तो इसका दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, इस लॉ को डिफाइन करने का, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन इन ऑर्डर देन थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और सम ऑफ द टू फोर्सेस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ना। अगर किसी रिजिड बॉडी में दो कॉन्करेंट फोर्स या दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उन दो फोर्स का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, उन दो फोर्स को एक ट्रायंगल के दो साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और उसको मिलाने वाला जो तीसरा साइड होता है वो क्या होता है, उन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बाई स्केल हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है, ये भी लॉ ऑफ ट्रायंगल के अंदर ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, है ना, एक नाव है ना, उसको दो बोट से हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं रस्सी से बांध के। तो एक रस्सी में F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरे रस्सी में F2। तो यहाँ पे नाव के पॉइंट पे बंधा हुआ है तो उस पॉइंट पे दो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, F1 F2 फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं नाव को। तो F1 F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे फोर्स ऐड कर रहे हैं, फोर्स सिस्टम है तो फोर्स सिस्टम के जगह केवल एक ही फोर्स F1 F2 है, तो इसके बराबर कोई एक फोर्स लगाए जो F1 और F2 का कार्य करे, है ना। जो इफेक्ट F1 F2 मिल के कर रहे हैं वही इफेक्ट केवल एक सिंगल फोर्स करेगा, तो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ना, जैसे पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट एफ
O से F14 सेट कर रहा है इस अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही F24 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये दो फोर्स है, इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दो फोर्स को पहले हम ट्रायंगल की तरह ड्रॉ करेंगे। देखिए F1 के पैरेलल आप स्केल सेट कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये F1 का वैल्यू हमें पता रहेगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल लेके सॉल्व किया है, F1 का कुछ वैल्यू रहता है न्यूटन में, तो उसको स्केल लेके आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। मान लो 100 न्यूटन है तो 1 सेंटीमीटर, 200 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप स्केल ले सकते हैं। तो F1 को स्केल लेके मैंने ड्रॉ किया, F1 लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल ये लाइन, और डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन की तरफ इस लाइन का होगा। ये लाइन हमें मिल जाएगा ए बी, ए से हमने स्टार्ट किया बी के तरफ, ए बी क्योंकि F1 का डायरेक्शन इसी तरफ है, ठीक है। अब F2 हमें ड्रॉ करना है, तो F2 के पैरेलल सेट करिए, और ए से बी हमने ड्रॉ किया, तो बी से सी ये आपको मिल जाएगा F2 के बराबर। F2 का वैल्यू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्केल वैल्यू लेना है। और याद रखिए कि ए और बी और बी से सी, ये दोनों का डायरेक्शन ऑर्डर में होगा, एक ही तरफ होगा, है ना, इन ऑर्डर में ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो फोर्स है। अब ये ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, तो ए से सी आप ज्वाइन करोगे, तो ए से सी वाला जो लाइन होगा वो फोर्स F1 और F2 के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ए से सी आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये रिजल्टेंट फोर्स R है F1 और F2 का, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ध्यान ये देना है कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। F1 और F2 को हमने ऑर्डर में रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा F1 F2 के अपोजिट के तरफ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये भी एक ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, दो फोर्स जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यह भी क्या है, दो फोर्स जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है किसी बॉडी में, किसी रिजिड बॉडी में, तो उन दो फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इस लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। आप सभी को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, इसी तरीके से पैरेललोग्राम है समानांतर चतुर्भुज आप बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। लेकिन दो साइड के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता, ये पैरेललोग्राम कहलाता है। तो इसमें हम इसके कोई भी दो साइड, एडजेसेंट साइड को हम लेके एडजेसेंट साइड में दो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डायगोनल है या इस डायगोनल से भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दो भी दो फोर्स ले रहे हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये डायगोनल पास होना चाहिए, है ना। दोनों साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वही वो दो फोर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिजिड बॉडी है ना, जिसमें F1 फोर्स एक्ट कर रहा है राइट डायरेक्शन में और एक और फोर्स एक्ट कर रहा है F2 अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए F1 और F2 के बीच में कुछ एंगल है, 90 डिग्री भी हो सकता है या कुछ एंगल हो सकता है। जैसे एक पॉइंट है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है ना, और इसके बीच के एंगल थीटा डिग्री है। तो ये दो फोर्स कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्करेंट फोर्स होगा तभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो वही बात है कि F1 और F2 का आप स्केल ले लेंगे कि कितना सेंटीमीटर आपको लेना है ना। आप वैल्यू के हिसाब से आप इसका स्केल लेके पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले F1 के पैरेलल स्केल सेट करेंगे, और F1 का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया O से A,
अब ऐसे ही F2 के पैरेलल स्केल सेट करके O से B लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। स्केल के अकॉर्डिंग जितना वैल्यू होगा उतना लेंथ आपको ड्रॉ करना है उससे भी, ठीक है। तो ये दो लाइन हो गया जो फोर्स पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, जिसके बीच में क्या है, थीटा डिग्री है। अब इससे आप ओ ए के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ओ बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करिए तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है ये आपको मिलेगा, ओ ए और बी सी बराबर है, ओ बी और ए सी का लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम मिला। अब हमें फोर्स एफ वन और एफ टू, ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट चाहिए। तो ओ ए और ओ बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, वहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ओ सी। तो ये डायगोनल ओ सी जो होगा वो क्या होगा, एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट को शो करेगा। तो आप ओ सी का लेंथ यहाँ पे मेजर कर लीजिए और स्केल के अकॉर्डिंग उसको आप मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शन आप देखिए, एफ वन और एफ टू का जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, दो फोर्स जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको मिल जाता है इस पैरेललोग्राम से और डायरेक्शन भी। तो ये ग्राफिकल मेथड है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।